हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है और आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। ओके, जनरल रीडिंग है, सभी जोडिक साइन के लिए है, टाइमलेस है और सभी जेंडर के लिए हैं, सभी एज ग्रुप के लिए। कुछ कार्ड्स हमारे पास आ गए हुए हैं। ठीक है, आप में से कोई लोग तो हैं मेरे व्यूवर्स जो स्पिरिचुअल वर्क में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन। ये पर्सन आएगा आपके पास वापस, ठीक है ना। चलिए हम कार्ड ठीक से लगा लेते हैं कि आपको दिखें सारे कार्ड्स। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आप दोनों की एनर्जीज़, ठीक है ना। तो सच कहूँ तो आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हो सकता है, हुआ हो पहले, लेकिन अब ना ये आर्ग्यूमेंट वगैरह, ये जो चीज़ें आपके बीच में हुई ये नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल किस तरीके से होंगी, क्योंकि अब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ वापस आना चाहते हैं। आप तो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, ठीक है। ये पर्सन को बुद्धि दे रहा है, ऊपर वाला यूनिवर्स इसको गाइड कर रहा है कि अब आपके पास आए। सॉरी भी करेगा अगर आप में से किसी को ये कन्फ्यूज़न है कि हम आगे होकर इस पर्सन से बात करें या इस पर्सन के खुद के कॉल मैसेज का हम वेट करें, तो भी आपको वेट करना है, आपको आगे होकर कॉल मैसेज नहीं करना है, क्योंकि सेल्फ़ रेस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। और अगर सेल्फ़ रेस्पेक्ट को नहीं देखना है फिर भी वेट कीजिए, क्योंकि यही पर्सन कॉल मैसेज करेगा आपके ऊपर, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है तो आप अनब्लॉक कर दीजिए। ये पर्सन खुद से ही कॉल मैसेज करने वाला है, खुद से अनब्लॉक करेगा, लेकिन ये आपके ऊपर डाल देगा सारी चीज़ें। इसकी ये ऐसे दिखाएगा कि आपकी गलती है, सारा जो ब्लेम है ना आपके ऊपर डालने वाला है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन आगे होके कॉल मैसेज करेगा और आप ना एकदम हैरान हो जाओगे कि ये पर्सन जो इतना अजीब सा बिहेव करके गया था मेरे साथ में, ये आकर मुझसे कैसे आगे होकर मुझे ऑफ़र कर रहा है वापस से। तो भाई यूनिवर्स को वो टाइम पे थैंक यू बोल देना, ठीक है, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आया और इस पर्सन ने आकर के और वापस सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपने रिलेशनशिप में ठीक कर ली हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड देते रहना है। वैसे भी ये पर्सन आएगा और आप ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन खुद आगे होकर ऑफ़र करेगा आपको। कहीं ना कहीं तो मैं देखूं तो उसको यूनिवर्स बुद्धि दे रहा है कि आकर आपके साथ में बातचीत करे, दूसरे लोगों की बातों में नहीं है, दूसरे लोगों के रिलेशनशिप को इतना महत्व ना दे, इतना प्रायोरिटी ना दे, आपके साथ आए, आपके साथ माफ़ी मांगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी थी, कोई भी ऐसी सिचुएशन थी, किसी भी ऐसी वजह से झगड़ा हुआ था जो कि रिलेशन को थोड़ा ख़राब कर गया, तो उस सिचुएशन से, उस थर्ड पार्टी से अब आपके पार्टनर निकल रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक डिसीज़न ले रहे हैं। यहाँ पे कास्ट रिलीजन का कुछ इशू दिखाई दे रहा है, कुछ समाज के, कुछ सोसाइटी के इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाई ये पर्सन ना, जिसने आपके साथ बहुत वियर्ड बिहेव किया था, जिसने अच्छा नहीं किया था आपके साथ, ये पर्सन डिसीज़न लिया है कि इसे आपके पास आना है। सच कहूँ तो ये पर्सन का पूरा फोकस इन दिनों में आपकी तरफ है, काफ़ी ज़्यादा ये गिल्ट में है कि इसने अच्छी चीज़ें तो की नहीं है, लेकिन हाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ये जो रीज़न है, ये जब मैं आपको बताती हूँ उस टाइम पे आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, अपनी एनर्जी को उतने ही हायर लेवल पर लेकर जाना है। मन में डर और जो डाउट है उनको निकाल देना है, आपको डाउट नहीं करना है। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है। फूल के कार्ड के साथ हमारे पास लवर्स आए हैं, जो भी झगड़े हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो यूनिवर्स हटा देंगे, आप दोनों के अंदर बीच में प्यार लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स बीच में इस रिलेशनशिप को, मतलब ना यूनिवर्स बीच में आ गए हैं
ब्लेसिंग्स बीच में आ गई हैं, वो गाइड करेंगे, वो रीयूनियन करवाएंगे आपका, तो यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलते रहो, ग्रेटिट्यूड देते रहो। बार बार कह रही हूँ, ये पर्सन खुद आकर आपको ऑफर करेगा, भले से कितनी भी नेगेटिविटी हो इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन ज़रूर आएगा और आपके पास आकर एक ऑफ़र ज़रूर देगा आपको। अब आप इनको मौका देते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप भी इनसे इतना ही प्यार करते हैं। अभी झगड़े से दूर रहना है। अगर ये पर्सन आकर, मैंने कहा था ना आपके ऊपर ब्लेम कर देगा ये पर्सन, उस बात को लेकर अगर आप गुस्सा हुए तो झगड़ा बढ़ जाएगा, उस बात को इग्नोर कीजिएगा। हाँ, मैंने कहा यहाँ पे यूनिवर्स बीच में है, एंजल्स भी आ गए हैं, एंजल्स बैलेंस लेकर आएंगे। अपने आप को ना पॉजिटिव रखने की कोशिश किया करो आप लोग। मैं यूँ ही नहीं बोलती, पॉजिटिव रखने के खुद को रिजल्ट बड़े प्यारे आते हैं। हाँ, देखो जो भी थर्ड पर्सन था, जो भी नेगेटिविटी थी, सेम कार्ड यहीं पर आया है। ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव है, थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से निकल रहा है, आपकी तरफ बढ़ेगा ये पर्सन। नेगेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। अबंडेंस एंड ब्लॉसमिंग, थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिए, ये पर्सन आ रहा है आपके पास। ओके, अबंडेंस आ रही है इस रिलेशनशिप में। मैं मेजर अरकाना भी ले ही लेती हूँ जब इतने पॉजिटिव कार्ड हैं, और देखते हैं मेजर अरकाना क्या बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में। जस्टिस होगा इस रिलेशनशिप में। अब आप में से किसी के दिल में आया कि काफ़ी समय हो गया, वर्ल्ड की एनर्जी है ये, नाइन ऑफ कप्स के साथ बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। विश फुलफिलमेंट, ओके, विश पूरी होगी। थर्ड पार्टी चाहिए, ओह वाओ, लवर्स के साथ। भाई आप अपने ट्विन फ्लेम में सोलमेट से डील कर रहे हो, दो बार लवर्स आया है। शिवजी माँ पार्वती की भी ब्लेसिंग से यहाँ पर, राधा कृष्णा की ब्लेसिंग से आप दोनों का रीयूनियन होगा। प्यार बहुत ज़्यादा है, ये कार्ड नॉर्मल नहीं है, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। इन एनर्जीज को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, इस एनर्जी को लेकर आओ, इतने पॉजिटिव हो जाओ कि आपका पार्टनर मजबूर हो जाए आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ओके, तो ना हो जाती है कभी कभी टंग स्लिप। ओके, देखो ये कार्ड की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्यारी, इस एनर्जी में रहोगे, ये रीयूनियन होने में कोई ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे। अपनी एनर्जीज को, अपने थॉट्स को नेगेटिव पॉजिटिव करते रहोगे तो ब्लॉकेजेस आते हैं फिर, ये बात तो आप लोग जानते हो। ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव रहो, ये पर्सन तो आ रहा है आपके पास। देखो बॉटम के, ओह सीरियसली, मैंने कहा था शिव जी माँ पार्वती बॉटम की एनर्जी में। भाई यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है और सारे कार्ड खुद से आए हैं यहाँ पर, तो क्लेम कीजिए एनर्जीज को, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और रीयूनियन नज़दीक है, एकदम खुश हो जाओ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।